हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग सामान्य हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने इन 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन के सही जवाब दिए तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकेंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 200 लाइक का। यदि इस वीडियो पर 200 लाइक आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सकूं। क्लास का टाइम नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहली जो क्लास होती है दोपहर 12 बजे, दूसरी जो क्लास होती है आपकी इवनिंग में होती है 4 बजे, तीसरी जो क्लास होती है आपकी रात के 8 बजे। तीनों ही क्लास को आपको हर हाल में ज्वाइन करना है और इस बार राजस्थान पीटेट की परीक्षा पास करनी है, वो भी अच्छे नंबरों के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। सो गाइस, हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन डी इज राइट, शौर शैनी अपभ्रंश। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा की बात हो रही है तो भारत की प्रथम देश भाषा है पाली। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधि, पाली। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पाली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, व्याकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्वेश्चन है गाइस कि हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में स्वतंतर रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? सो गाइस, ये कहलाते हैं व्यंजन। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, व्यंजन। अगला क्वेश्चन है गाइस, का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। खा शब्द जो है आपका ये उर्दू से लिया गया है तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है गाइस, जिन शब्दों में अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों में अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? सो गाइस, उन्हें कहा जाता है अकारांत। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, इसकी सही वर्तनी क्या होगी? इसकी सही वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन सी, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद इस प्रकार से लिखा जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? पूंजीवाद। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोच समझ कर ये आंसर दीजिएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वें क्वेश्चन की कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? अंतर्निहित।
तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 12वें क्वेश्चन की कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? परीक्षा ऑप्शन डी जो बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 13वां क्वेश्चन देखेगा, 13वें क्वेश्चन की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? षड्यंत्र ऑप्शन ए जो बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 14 से 17 क्वेश्चन देखेगा आप लोग, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। सो गाइस, कबीश्वर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? कबीश्वर, देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कबीश्वर में हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, संसार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? सत धन सार, तो यहां पर आपकी कौन सी संधि होगी? यहां पर हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तन्मय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो तत् धन मय, जहां पर हलंत आ जाए काटने के बाद आंख बंद करके व्यंजन संधि पर आप टिक कीजिए। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इत्यादि, इति धन आदि, यहां पर कौन सी संधि होगी? तो यहां पर आपकी हो जाएगी यण संधि। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पुनर्जन्म, जब आप इसको तोड़ेंगे किस प्रकार से तोड़ेंगे आप इसको? तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पुनर्दंचन। पितृऋण, पितृ धन ऋण, जो ये बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इत्यादि, इत्यादि, इति धन आदि, तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, तो युधि धन स्थिर यानी ऑप्शन ए जो बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जगदीश, जगदीश में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? ऑप्शन ए जो बच्चे बता रहे हैं बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि जगदीश में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी तो यहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि। कनकटा, कनकटा, कान धन कटा, तो जो बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रामायण, रामायण, राम धन अयन, जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 से 28, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। दशानन में कौन सा समास होगा? जिस वाक्य में प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दशानन में कौन सा समास होगा, यानी कि 10 आनन है जिनके, यानी कि रावण, यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति, बहुप्रिय समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रोग पीड़ित, तो रोग का पीड़ित, कर्ता ने कर्म को, रोग को पीड़ित या रोग का पीड़ित, तो का आ रहा है या फिर को आ रहा है? तो जहां पर कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। तो जो बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रतिमान में कौन सा समास होगा? प्रति आ भर उदहर, ये शब्द आ जाए आंख बंद करके अव्ययीभाव समास पर आप टिक कर दीजिए। प्रतिमान में हो जाएगा अव्ययीभाव समास, मैंने आपको बताया है प्रति आ भर उद हर, ये शब्द आपके आ जाएं। तो देखिए प्रतिमान, तो देख सकते हैं आप प्रति निकल रहा है,
अव्ययीभाव समास हो जाएगा भर पेट, अव्ययीभाव समास हो जाएगा आपका, ठीक है। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, वीर है जो पुरुष। तो जो बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चांद, चंद्रमा, चंदर, चंद, इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। छेद, झंडा, विभा, सिंह, तत्सम शब्द कौन सा होगा इसमें? विभा, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 31 क्वेश्चन देखिएगा, हसी, कपूर, ओज, आम, तत्सम शब्द कौन सा होगा इसमें? इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा ओज। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। खेत, नहर, निर्मम, कुछ, तत्सम शब्द कौन सा होगा इसमें? निर्मम। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सुमन, नाखून, कौवा, वाहब, तत्सम शब्द कौन सा इसमें होगा? इसमें हो जाएगा तत्सम शब्द सुमन, ऑप्शन ए जो बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 34वां क्वेश्चन देखेगा आप लोग, इसमें बताइए तद्भव शब्द कौन सा इसमें होगा? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कान। 35वां क्वेश्चन देखेगा आप लोग, 35वां क्वेश्चन में तद्भव शब्द कौन सा होगा? पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प, तद्भव शब्द इसमें हो जाएगा, तद्भव शब्द आपका पीड़ा, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलें आप लोग, आज का टारगेट रहेगा 200 लाइक का। राजस्थान पीटेट 2021 की परीक्षा जो है आपकी 29 अगस्त को आयोजित की जानी है, समय बहुत ही कम है, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें आप लोग। जो भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही हैं उनको सॉल्व करें। पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश, तो इसमें बताइए तद्भव शब्द कौन सा होगा? इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा अंधेरा। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बालिका, बेंत, आज्ञा, सिद्धि, इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा? इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा बेंत, ऑप्शन बी इज राइट। रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति, इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, तमंचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? योगऋण, ऋण, योगिक, शंकर। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? योगऋण शब्द कहलाते हैं। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमल असंगत शब्द चिन्हित कीजिए, शारीरिक, दैहिक, मानसिक, आदि, इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? आदि, ये आपका बेमल शब्द है, ठीक है। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? सो गाइस, इसमें आपका बेमल शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, घर। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष, इसमें बिमल शब्द कौन सा होगा? इसमें आपका बिमल शब्द हो जाएगा मस्तक। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निगाह, दृष्टि, नेत्र, नजर, इसमें बिमल शब्द कौन सा होगा? नेत्र, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद, इसमें बिमल शब्द कौन सा होगा? खेद, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द छांटिए, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा घव। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किनरेस, कोविद, धनाधिप, राजराज। तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द होगा धनाधिप, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? छपा, तमीचर, अमा, बिबाभरी। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सो गाइस, रात्रि का पर्यायवाची
पर्यायवाची शब्द होगा पिवाभरी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरिता, गंगा, यमुना, निश्चरणी। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका गंगा। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गर्जन, दामिनी, चमक, पयोध। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। विद्युत का पर्यायवाची शब्द होता है दामिनी। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम छांटिए। सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा? विवाद, कलह, संताप, द्वेष। सामंजस्य का विलोम शब्द होगा विवाद। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? ओजस्वी का विलोम शब्द हो जाएगा निस्तेज। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पराक्रम, पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा? भीरुता, दुविधा, आलस्य, दुर्बलता। पराक्रम का विलोम शब्द होगा भीरुता। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा गाइस? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। कृपा, आशीर्वाद, क्षमा, सहयोग। क्रोध का विलोम शब्द होता है कृपा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर, शांत, संदिग्ध, उद्वेलित। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शांत। रंक का विलोम शब्द क्या होगा? बलवान, धनवान, किसान, मजदूर। रंक का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो रंक का विलोम शब्द होगा धनवान। निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको क्या कहते हैं? दत्तक, अंकित, औरस, रहतुआ। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको क्या कहते हैं? सो गाइस उसको कहते हैं दत्तक। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? आशुतोष, दम्भी, दुराधा, क्रोधी। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? दुराधार। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना इसको क्या बोलते हैं? प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रताड़ना, इनमें से कोई नहीं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना यानी कि प्रायश्चित। अगला क्वेश्चन है जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य, दुशाध, क्लिष्ट, अशोच। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? जिसका इलाज ना हो सके उसको बोलते हैं अशाध्य। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसको क्या बोलते हैं? कृपण, मितव्ययी, अल्पव्ययी, अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपव्ययी। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो काम ना करना चाहे, आलसी, निकम्मा, अर्कमक, दुष्कर। जो काम ना करना चाहे उसको क्या बोलते हैं? अर्कमक के बोलते हैं। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके। निराकार, निर्गुण, अदृश्य, अगोचर। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जिसे ना देख सके ना सुन सके उसको बोलते हैं अगोचर। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, इसमें कौन सा वाक्य है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य।
ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, इसमें कौन सा वाक्य होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, इसमें हो जाएगा आपका जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, मिस्र वाक्य। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिस्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं, इसमें हो जाएगा मिस्र वाक्य। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, इसमें कौन सा वाक्य होगा? व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए, इसमें हो जाएगा मिस्र वाक्य। सत्संग करो सदाचारी बनो, इसमें कौन सा वाच्य होगा? इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक, इसमें हो जाएगा विधिवाचक। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती, इसमें कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संयुक्त वाच्य। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, संयुक्त वाच्य। 70 से 74 क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए चार चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 17वां क्वेश्चन देखिए और बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वह दंड के योग्य है। 71वां क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। इसमें इसमें हो जाएगा शुद्ध वाक्य ऑप्शन बी, भारत में अनेक जातियां हैं। 72 क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। 72 इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। 73 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है। 74वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। पाठ पढ़कर कल आए, तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों लोकतृतियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। अंगूठा दिखाना, इसका मुहावरा क्या होगा? अंगूठा दिखाना, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देने से इनकार करना, तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मुहावरा क्या होगा? अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलें आप लोग ज्यादा से ज्यादा। आंख लगना, इसका मुहावरा क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा, जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नींद आना, औंधी खोपड़ी, इसका मुहावरा क्या होगा गाइस? औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी का मुहावरा होगा मूर्ख होना, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कान का कच्चा, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, कान का कच्चा, शीघ्र विश्वास कर लेने लेने वाला। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। घाट घाट का पानी पीना, इसका मुहावरा क्या होगा? घाट घाट का पानी पीना, देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अनुभवी होना। आ बैल मुझे मार, इसका मुहावरा क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ढाक के वही तीन पात होना, इसका मुहावरा क्या होगा? ढाक के वही तीन पात होना, इसका मुहावरा होगा सदा एक साथ। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 99 के फेर में पढ़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? 99 के फेर में पढ़ना,
धन कमाने में लगा रहना। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मुहावरा क्या होगा? हथेली पर सरसों नहीं जमती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हींग लगे ना फिट करी, रंग भी चोखा होए, इसका मुहावरा क्या होगा? हींग लगे ना फिट करी, रंग भी चोखा होए, इसका मुहावरा क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बिना मेहनत फल पाना। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? श्रृंगार, वीर, शांत, बीभत्स। निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 87 से 88, निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। जो जग हित पर प्राण निछावर है, कर पाता जिसका तन है, किसी लोक हित में लग जाता, दोहा रोला बरबे हरि गीत का, तो इसमें कौन सा छंद होगा? तो इसमें आपका छंद हो जाएगा रोला छंद। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल या जस जो दायक फल चार, इसमें कौन सा छंद होगा? दोहा, चौपाई, सवैया, कवित। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, इसमें हो जाएगा आपका दोहा छंद। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मोहनग्राम 89 से 91 क्वेश्चन देखेगा आप लोग, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। क्वेश्चन क्या है गाइस, बीती बिवावरी, जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तरा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हम कुछ कहें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फूले का सकल मही छाही, जनो जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें कौन सा अलंकार होगा? फूले का सकल मही छाही, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें अलंकार कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, या मुरलीधर की अदधा अदरान धरी अर्धान धरोंगी, इसमें अलंकार कौन सा होगा? रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, या मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोंगी, इसमें अलंकार हो जाएगा आपका यमक अलंकार। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 92 से 100 क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता के नाम का चयन नीचे दिए गए चार विकल्पों में से कीजिए। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, गबन, इसके रचयिता कौन है? श्याम सुंदरदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गांधी, केशवदास। कुरुक्षेत्र के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चित्रलेखा के रचयिता कौन है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अमृतलाल नागर। चित्रलेखा, इसके रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यामा किसकी रचना है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। यामा किसकी रचना है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, तो यामा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गीतांजलि के रचयिता कौन है गाइस? गीतांजलि के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो भी बच्चे
सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं, वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, अरिहोत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्रणय पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसके रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरधर। जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तुलसीदास। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, बघेली। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मैथिली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 200 लाइक का। यदि इस वीडियो पर 200 लाइक आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सकूं। क्लास का टाइम नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहली जो क्लास होती है दोपहर 12 बजे, दूसरी जो क्लास होती है इवनिंग में 4 बजे, तीसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। तीनों ही क्लास को आपको हर हाल में ज्वाइन करना है और इस बार एक गवर्नमेंट सीट आपको हर हाल में लेना है। जो भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है उनको ईमानदारी के साथ दें आप लोग, और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने सारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।